हेलो जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जितेंद्र किंद्रा और आप देख रहे हैं किंद्रा जी। तो गाइस, आज मैं आपको इस चैनल के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्टार्टअप विद किंद्रा जी। तो आइए जानते हैं स्टार्टअप विद किंद्रा जी है। तो गाइस, स्टार्टअप विद किंद्रा जी एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है, जहाँ मैं आपसे शेयर करूँगा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की लेटेस्ट हैपनिंग, वो भी सिंपल हिंदी में। तो आखिर हिंदी में क्यों? तो गाइज, इसके पीछे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की अवेयरनेस मेरे उन दोस्तों तक पहुँचे जो टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज़ में रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए, वो चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप करें, बट बिकॉज़ वहाँ अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। स्टार्टअप विद किंद्रा जी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिंदी में स्टार्टअप इकोसिस्टम की न्यूज़ जानना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंजल और वीसीज ने आपके सेक्टर में फ़ंड किया है। अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस स्टार्टअप की फंडिंग हुई है। या अगर आप स्टार्टअप हैं जो कि इंक्यूबेटर के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर ने अपने नेक्स्ट बैच ऑफ कोहर्ट्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की है। गाइज, इंग्लिश में कहावत है बीन देयर डन दैट, बट मेरे केस में था बीन देयर एक्सपीरियंस दैट। तो गाइज, मैं भी एक टीयर टू सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला हूँ, और जब मुझे लगा कि मुझे जब मेरा मन किया कि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में आऊँ, तब मुझे स्टार्टअप इकोसिस्टम की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी एंड मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। और जब टर्मिनोलॉजी सुननी शुरू करी तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी। मैं सोचता था कि यार कोई मुझे सिंपल हिंदी में समझा दे कि यार ये क्या होता है, तो बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी लर्निंग्स मैंने की कुछ टाइम में, तो वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब कब आएगा। तो गाइज़, स्टार्टअप विद किंद्रा जी एक वीकली अपडेट के फॉर्म में आएगा, आई बिलीव लाइक सैटरडे या संडे। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कब आएगा। गाइज, स्टार्टअप विद किंद्रा जी के साथ साथ जो मेरी अदर एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग्स हैं, वो मैं आपको एक अदर प्लेलिस्ट में आपकी मिलेगी। जब आप मेरे चैनल को ओपन करेंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग्स। मैंने उनको लर्निंग्स इसलिए बोला है क्योंकि वो टीचिंग्स नहीं है, इट जस्ट जो मैंने सीखा है मैं वो आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। दैट्स इट। गाइज, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जानते हैं ऐसे किसी बंदे को जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आना चाहता है या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए उसके साथ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके प्लीज़ करिए, बिकॉज़ ये मिशन और इनिशिएटिव तभी पॉसिबल होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और तभी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी। गाइज, इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी अदर लर्निंग्स पे, तो आप अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको और लर्निंग्स के फोल्डर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। आई नो कि इनिशियली में बहुत कम व्यूअर्स होंगे, बट आई बिलीव कि वन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेट्स डू इट। तो चलिए, मिलते हैं इस वीकेंड पर। जय हिंद।